दीप सिद्धू की मौत के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा उनके ही दोस्त दलजीत खालसी ने किया है। हाँ जी दोस्तों, आपको बता देते हैं कि दलजीत खालसी ने दीप सिद्धू की मौत का एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत आप जानेंगे कि आखिर दीप सिद्धू के मौत का राज क्या है और आखिर दीप सिद्धू कैसे इंसान थे और दीप सिद्धू को लेकर आखिर पंजाब के लोगों में क्या है, पंजाब के लोग दीप सिद्धू के बारे में कैसा सोचते हैं और जो ये तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं, आखिर इसको लेकर पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं और वहां पर दोस्तों दीप सिद्धू के लिए पूरा पंजाब कैसा सोचता है, दीप सिद्धू पूरे पंजाब के लिए क्या थे, जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको दीप सिद्धू के ही दोस्त की वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग की ये बोलते मिल जाते हैं कि भाई दीप भाई तो मेरे नाल सारियां दिल दी गल्लां कर लेंदे सीगे, मेरे नाल तां फलानी गल कदी कीती नहीं, मेरे हिसाब नाल तां इदां नहीं सीगा। ये गल बिल्कुल सच है, दीप भाजी सारिआं दे नाल अपने दिल की गल कर लैंदे सीगे। हुंदा की है कि जिद्दां मान लो मैं अपने जदों मम्मी नाल बैठा हुंदा तो मैं उन्हां नाल कोई राजनीतिक जिहियां गल्लां नहीं करदा, मैं फिल्मां की गल्लां नहीं करदा। हुण ओह सीरीयल देखदे ज़्यादा, पाकिस्तानी सीरीयल जिहड़े हुंदे आ, तो मैं उन्होंने वह जी गल करता, मम्मी यदा विआह होना सी, आ फलाने करैक्टर का हो गया, वो कहें विआह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, वो सीरीयल तो मुक गया, मैं नवा देख रही हूँ, टाइप होर भी फैमिली दल्ला परिवार च की चलता पाया। तो उदो मैं ये सब गल नहीं करता, जो तो अपने ड्राइवर ना हूँ फिर मैं ड्राइवर ना वो बिहार का उन्होंने मैं पूछ रहा हूँ कि घर पर कैसे हैं सारे, बहन की शादी हो गई, बच्चे का क्या चल रहा है, तो वो गल करदा। फिर उदो मैं जो गल मैं मम्मी ना कर रहा हूँ वो मैं अपने दोस्तों नाल नहीं करता, वो मैं अपने ड्राइवर नाल नहीं करता, दोस्तों नाल मैं कुछ होर कर रहा हूँ। तो अपने जिदा मैं जेडे मेरे मान लो चाचे ने बैठा हूँ तो चाचे ना कुछ होर गल करदा, मैं अपनी भैनों नाल कुछ होर गल करदा, बच्चों नाल कुछ होर तरीके नाल गल करदा, मैं सारिआं दे नाल ही गल करदा, लेकिन सब दे नाल मेरी गलबात अलग अलग हुंदी है, उस तरह नाल हुंदी है जिस तरह के वो लोग है। जिदा मैं ड्राइवर नाल फिर मैं उहदियां गल्लां बिल्कुल वक्खरियां हुंदियां, चाचे नाल बिल्कुल वक्खरियां हुंदियां, बच्चों नाल अलग हुंदियां, दोस्तों नाल अलग हुंदियां, या जिहड़े काम वाले लोग ने उन्हां नाल अलग हुंदियां। ये तुहाडे नाल भी हुंदा, तुसीं भी इसी तरह नाल चलदे हो, हर इंसान नाल इदां ही हुंदा। तो आही दीप भाई नाल भी हुंदा कि हुंदा सी कि वह हर एक दे नाल अपने दिल की गल करदा सी, हर एक सुणदा सी और हर एक नूं उस तरह नाल ही उन्हां दा जवाब या जो भी उसका हुंदा उसका जिहड़ा जो कन्वर्सेशन सी उस लिहाज ना हुंदी कि जिहो जिहा बंदा हैगा। मान लो कोई बंदा, एक बंदा मैनूं कहिंदा कि यार उहदा सिख राज की गल करदा ही नहीं सी, उहदा इस दे खिलाफ सीगा, ते हाँ ठीक है उस दे हिसाब नाल उह खिलाफ ही सी क्योंकि वो बहस नहीं करता सी, उस दे विच इह सीगा कि वह खाम खा की बहस नहीं करते। मैनूं भी कोई आके बोले कि सामने सूरज चढ़िया हुआ, कोई नहीं सूरज नहीं है चंद है, तो मैं कह यार इनू मैं क्यों मनाना है कि भाई सूरज है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करा। मैं कहता हाँ यार तू सही कह रहा है, ये चंद है, रात ही नेरा आया है, क्यों अपने एनर्जी वेस्ट करा। पिछे जो एक बंदा मैं मिलया वो कहता जी हरी सिंह नलवा तो सिख ही नहीं से, फलानी कौम का बंदा सीगा। फिर मैं सोचा इनू मैं जवाब दें, फिर मैं क्या कि फायदा इनू घंटा दो घंटा ला के मैं कन्विंस कर भी लिया, इन्हें रहना तो यही है, इन्हें यही घोलते रहना, इन्हें चलो ये हो जाएगा कि भी इतने मेरे सामने मन भी जाएगा, बहस करी जावे। तो बहस तो बचने लिए मैं क्या ठीक है तू सही कहना होगा। तो आही दीप भाई की भी खूबी सी, जिदा का बंदा हों उदा का ही बन जाता हों, उस तरह दल कर उस दे विचार जोड़े सके वो बहुत फैले हुए सके, उसकी स्पीचा दे क्लीयर होंगे ना ही मेरे कहन नाल ना ही किसी होर के कहन नाल कि वह इदा सी उदा सी, वो इस चीज़ के पक्ष में सी और उस चीज़ के पक्ष में सगा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। बेशक वो दीप भाई के क्लोज भी सी, लेकिन दीप भाई ने जो कुछ कहा कैमरे के सामने कहा और सच कहा ठोक के कहा, उ गल् जी मतलब मैं किसी को भी अगर बोला जिहड़ियां गल्लां दीप भाई ने कैमरे दे अगे बोलियां उही सच सीगियां, उस तो कदी मुनकर नहीं होया, भावें सिख राज की गल होवे, भावें फैडरल स्ट्रक्चर की गल होवे, पंजाब की गल होवे, कोई भी गल होवे, उसने कैमरे के सामने जो कहा उही सच है। किसी ने जो कुछ कहा
वो सब गल्ला नहीं। हाँ जी दोस्तों, दलजीत खालसी ने जो कुछ भी दीप सिद्धू के बारे में दर्शाया दोस्तों, आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।